Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, hello everyone, how are you all? Ma'am. Yeah, thank you, ma'am. How are you? I'm also fine. Okay. बेटा आप सभी EBS की बुक ए में ओपन करेंगे पेज नंबर 95 जहाँ पे राइट है रिकैप एंड रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 1 to 5 5 to 9 5 to 9 चैप्टर का रिवीजन करेंगे हम सभी. ठीक है यस मैम. बुक ओपन कर लीजिए तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे. यस क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? चलिए माइक सबको बंद करिए. अंशुमान माइक ऑफ करिए बेटा. माइक सभी का ऑफ होना चाहिए और वीडियो सभी का ऑन होना चाहिए. ओके गुड. सुभाष माइक बंद करिए बेटा. अगर माइक ऑन रहेगा आप जो हम पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए माइक आप ऑफ रखिए अपना. अगर आपका नेम लेंगे माइक ऑन करने कहेंगे तो माइक ऑन करना. चलिए यहाँ पे देखते हैं. सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ दी. यहाँ पे आपने चैप्टर 5 से लेकर 9 तक जो भी पढ़ा है, ट्रू फॉल्स है, फिल द ब्लैंक्स या शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जो भी आपने पढ़ा है उन सभी का रिवीजन करना है चैप्टर 5 से लेकर 9 तक का. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ दी. इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है उसी को आप सर्कल करेंगे. पहला है अ पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ है. अ पर्सन वह व्यक्ति हु स्टिचेस जो कि सिलता है क्लॉथ में कपड़े को. अब कपड़ा कौन सिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए बताइए. संतुष्ट माइक ऑन करिए. मैम टेलर. मैम टेलर. मैम टेलर. ओके गुड. टेलर. ओके ओके बेटा. तो यहाँ पे जो यहाँ भी टेलर राइट होगा उसी ऑप्शन को आप सर्कल करेंगे. तो कौन से ऑप्शन में टेलर राइट है बेटा बताइए हमें. मैम सेकंड. सेकंड. अच्छा रैक पिकर मिस क्या होता है? रैक पिकर किसको कहते हैं? RAGPICKER. रैक पिकर. रैक पिकर किसको कहते हैं? अर्जन सिंह आप बताइए. रैक पिकर किसको कहते हैं? रैक पिकर. पता है किसी को रैक पिकर किसको कहते हैं? यस और नो. नहीं पता नो बोल दीजिए. नो मैम. नहीं पता है. चलिए मैम. शिवांश मोबाइल सही से रखिए. शिवांश यादव मोबाइल घुमा के रखिए बेटा. रैक पिकर में होता कूड़ा उठाने वाला जो कि कूड़े को उठाते हैं. आपने देखा होगा आपके गांव में आते हैं कूड़ा उठाने के लिए ना ले जाने के लिए उसी को रैक पिकर जो कि कूड़े को उठाते हैं गंदगी साफ करते हैं सड़कों की. ठीक है. ओके. टेलर पता है सभी को? दर्जी बोलते हैं टेलर को हिंदी में. हेयर ड्रेजर होता है जो कि हमारे बाल को कट करते हैं. कॉबलर जो कि सूज की मरम्मत करते हैं. तो यहाँ पे आपको टिक करना है अ पर्सन हु विस्टिजेस क्लॉथ है दैट इज टेलर. यहाँ पे देखिए ऐसा बन राइट है. यहाँ पे आप ऐसे पेंसिल से क्या कर देंगे ऐसे सर्कल कर लेंगे. ठीक है सभी को आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं. फिर पढ़िए आगे क्या राइट है. ज्ञान शुक्ला रीड करिए दूसरा सेंटेंस क्या राइट है. माइक ऑन करिए ज्ञान शुक्ला. कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है इसमें जो कि हमें प्लांट से मिलता है? पहला राइट था फ्रूट्स. सेकंड राइट था एग्स. थर्ड राइट है मीट. फोर्थ राइट है फिश. अब हमें प्लांट से क्या मिलता है थ्री और फोर ऑप्शन है इसमें से. फ्रूट्स मिलता है. ओके ओके तो फ्रूट्स को आप सर्कल कर देंगे. एग कहाँ से मिलता है बेटा?
साथ होता है? नो, एग जो है एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से मिलता है हमें, ठीक है? एग जो है एनिमल प्रोडक्ट है, हमें एनिमल से मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रूट्स को सर्कल करना है। मीट भी एनिमल से मिलता है। हाँ, चलिए आगे देखिए। रेनबो फिश एन एग्जाम्पल आप चलिए बताइए हमें शाश्वत। रेनबो फिश एन एग्जाम्पल आप रेनबो एग्जाम्पल होता है, किस चीज का एग्जाम्पल रेनबो है? मैम मानसून वेयर। मानसून वेयर, मैम मानसून वेयर, गुड। मानसून कहते हैं किसको है? कौन से मौसम को मानसून का कहते हैं बेटा? बारिश के मौसम को। अच्छा, इस समय कौन सा मौसम चल रहा है बेटा? विंटर। बता आप सभी को, तो यहाँ पे रेनकोट हम पहनते हैं मानसून के सीजन में, ठीक है? जब बारिश होती है तब हम रेनकोट पहन के बाहर जाते हैं, जैसे कि हम बारिश में भीगे ना, इसलिए रेनकोट पहनते हैं। तो मानसून पे आप सर्कल करेंगे। देन आगे देखेंगे, बी वेयर कॉटन क्लॉथेस इन। हम कॉटन की क्लॉथेस को पहनते हैं विंटर में, समर में, मानसून में या ऑटम में? विंटर में, समर में। गुड। अच्छा, समर समर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन से सीजन को समर बोलते हैं? मैम गर्मी। गर्मी के गर्मी। गुड। मैम गर्मी। माइक बंद करिए। मैम गर्मी। चलो माइक बंद करिए। चलिए आगे देखेंगे, बी कैन फिल एयर इन अ। हम एयर को फिल कर सकते हैं, किसमें फिल कर सकते हैं बताइए? बैलून। तो बैलून को सर्कल करेंगे, एयर को बैलून में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बैलून को ऐसे आप सर्कल कर लेंगे, ठीक है? सही है। डन। आगे देखेंगे, यहाँ पे हमें फिल करना है, फिल द ब्लैंक्स। ब्लैंक में जो खाली जगह है, ठीक है, जो खाली जगह उसको आप भरेंगे सही वर्ड राइट करके। पहला है द ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। अब यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं बताइए? मैम मिल्कमैन। मैम मिल्कमैन। मिल्कमैन, गुड, वेरी गुड। तो सभी लोग यहाँ पे राइट करेंगे मिल्कमैन। मिल्कमैन राइट, मिल्कमैन। चलिए राइट कर लेंगे, राइट करना पड़ेगा। मैम राइट किए। चलिए आप देखिए राइट कर लीजिए मिल्क मैन। वी शुड ईट फ्रेश। हमें खाना चाहिए ताजे, क्या खाने चाहिए? मैम फ्रूट्स। फ्रूट्स। मैम फूल। मैम वेजिटेबल। मैम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मैम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। Stop. We wear cotton clothes in the season. Man, summer. Man, summer. Man, summer. Man, summer. The weather is pleasant. Pleasant means होता है आनंददायक. Pleasant means आनंददायक. So weather is pleasant. Man is spring. 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 हाँ हो गया। Stop.
नैतिक वर्मा माइक ऑन करिए। नैतिक वर्मा, स्प्रिंग का मौसम जो है बहुत ही आनंददायक क्यों होता है, ऐसा क्या होता है उस मौसम में, बताइए हमें। स्प्रिंग का मौसम क्यों अच्छा लगता है आप सभी को? चारों तरफ से हरा भरा रहता है। ओके आराध्या सिंह आप बताइए। आराध्या सिंह स्प्रिंग के मौसम में आप देखते होंगे आपके आसपास जो है रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मौसम बहुत ही आनंददायक होता है, ना ही गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है मैम, हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन नॉट एयर, यह क्या फील करेंगे? हम हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हवा को, लेकिन हवा को देख नहीं सकते हैं। ठीक है मैम। सी सी मैम सी मैम सी मैम सी मैम सी। ओके ओके बेटा, हर्ष की हर्षित को अपने नेम आईडी पे ज्वाइन करिए। हर्ष हर्षित कोई है का नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। इसको रेस कर दे बेटा, कंप्लीट कर लिया सभी ने? यस मैम। यस मैम। रुको ना, फोटो ना जाने। अब देखिए यहां पे राइट 60 आंसर, यहाँ पे आप सभी को इसके 60 आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन को पढ़ने हैं, उसके बाद इतना 60 आंसर देना है, छोटा सा आंसर लिखना है, जरा बड़ा नहीं लिखना है। पहला है नेम फॉर पीपल हु हेल्प अस इन आवर नेबरहुड। नैतिक वर्मा बेटा माइक बंद रखिए, कितना आवाज आ रहा है आपके यहाँ से? अपनी मर्जी से कोई माइक नहीं ऑन करेगा, अगर हम बोलेंगे माइक ऑन करने के लिए फिर आप माइक ऑन करना, जिससे भी कहेंगे वो माइक ऑन करेगा। चलिए संतुष्ट आप माइक ऑन करेंगे। संतुष्ट यस मैम। इसका आंसर क्या होगा? नेम फॉर पीपल हु हेल्प अस इन आवर नेबरहुड। मैम द मिल्कमैन, न्यूज़पेपर बॉय मैम, गार्डनर एंड पिकअपर। ओके स्टॉप, यहां शुक्ला यू टेल नेम फॉर पीपल हु हेल्प अस इन आवर नेबरहुड। ऐसे फोर लोगों के नेम बताने हैं जो कि हमारे आसपास हमारी हेल्प करते हैं। बोलिए यहां शुक्ला, पढ़ाया गया यस मैम। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता। यस बोलिए बेटा यहाँ। मैं हम बताऊँ? नहीं मैं हम बताएँ। बेटा बैड हैबिट, हम बताएँ किसी को नहीं बोलना है। अगर हम नेम लेंगे तो आपको वैसे बताना रहेगा, पहले से क्यों बोल रहे हैं हम बताएँ। सभी से पूछेंगे परेशान मत हो। मैम टीचर और मैम टीचर टीचर और मैम टीचर बस एक ही फोर बता मैम डॉक्टर डॉक्टर गुड मैम टीचर डॉक्टर और चलिए बेटा आप बताइए। पुलिसमैन पुलिसमैन गुड और एक और बता दो। मैम न्यूज़पेपर बॉय न्यूज़पेपर बॉय गुड। माइक बंद कर लीजिए आप। चलिए नैतिक वर्मा आप माइक ऑन करिए। नैतिक वर्मा
आप बताइए फोर पीपल के नेम बताइए जो कि हमारी हेल्प करते हैं। मैं न्यूज़पेपर पर और मैं गार्डनर और पुलिसमैन और मैं डॉक्टर। गुड वेरी गुड बहुत ही अच्छा। माइक बंद करिए। जानवी यू टेल, आप बताइए जानवी। डॉक्टर रेक्टिकर मिल्कमैन पुलिसमैन। ओके गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई शुड वी हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन अच्छा ब्रेकफास्ट क्यों लेना चाहिए। इसका आंसर बताएंगे हमें आराध्या सिंह। व्हाई शुड वी हैव अ गुड ब्रेकफास्ट एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन अच्छा ब्रेकफास्ट क्यों लेना चाहिए। मैम हम हेल्दी रहें और बीमारियों से बचे रहें। ओके शिवांश आप बताइए। शिवांश बोलिए। यस मैम। मैं कौन हूँ? नोट कर लीजिए। किन नोट किया है? मैम मैम क्वेश्चन फोर का क्वेश्चन राइट मैम शॉर्ट आंसर का मैम आंसर नहीं राइट है। इसका लिखे हो? मैम स्कूल में राइट कराया गया। इसका आंसर लिखवाया गया स्कूल में? ठीक है तब सारे का हो गया है। नो मैम अभी क्वेश्चन फोर का नहीं हुआ है। अच्छा एक बार सेकंड का हो गया है, सेकंड थर्ड का हो गया है। ठीक है तब रायता शॉर्ट या नेम एनी थ्री थिंग्स यू वेयर इन अ रेनी सीजन। ऐसे थ्री थिंग्स के नेम बताने हैं जो कि आप पहनते हो रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में ऐसे क्या क्या चीज पहनते हो, आपको उसका नेम बताना है। चलिए बताइए हमें शिवांश। यस मैम। इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैम लिखवाई होंगी ना क्लास में, क्या लिखवाई बताइए। यस मैम। बताइए मैम। रेनकोट। रेनकोट और गमबूट। यस और क्या लिखवाया गया है। बताइए एंड कैरी एंड अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन। ओके आगे देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ विंडी डे। इस पे इसका गवाया गया कि नहीं गवाया गया बताइए। मैम इसका क्वेश्चन राइट कराया गया है, मैम आंसर नहीं राइट कराया गया है। नोट कर लीजिए। Out and play.
ऑन अ विंडी डे द विंड ब्लोस स्ट्रॉन्गली. विंडी डे में क्या होता है, हवा बहुत तेज से बहती है, इसकी वजह से हम बाहर खेलने नहीं जा सकते. ठीक है, जब हवा चलती है क्या आप बाहर खेल सकते हैं, नहीं कर सकते. तो विंडी डे में होता है मैम. हाँ बोलो मैम. नोटबुक में इसको करना है. हाँ नोटबुक में करना बेटा, नोटबुक में राइट करवाया गया है ना, उसी में आगे लिखना है. मैम कौन चैप्टर? चैप्टर 9 पिकअप एनी विजन का 9 चैप्टर के बाद से लिखना है. पहले क्वेश्चन नोट करेंगे फिर आंसर लिखेंगे. हाँ बेटा अंशुमान बेटा हो जाएगा बताना, फिर आगे राइट करवाएंगे. एंजल वीडियो ऑन करिए. चलिए आगे देखेंगे. सही रेस कर दें. हरिप्रिया माइक और वीडियो ऑन करिए. वामन. हाँ बेटा चलिए आगे देखेंगे. Why do we need air? हमें हवा की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा. Why do we need air? ये कुछ जानना ही पड़ता है. जान ले कुछ नहीं जानी पड़ता है. ये कुछ नहीं जानी पड़ता. मैम ऑक्सीजन. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है. वी नीड एयर टू ब्रीथ. मैम लिखते हैं. क्वेश्चन आंसर बताना बताइए ना. आंसर मैम राइट कर रहे हैं तो फिर इसको पहले क्वेश्चन राइट करना है. आंसर राइट करे नहीं तो एक लाइन छोड़ दे क्वेश्चन के लिए जितनी भी लाइन को लगे फिर आंसर राइट कर दे. इधर है ना इधर. जिसका हो गया होगा वो आगे का क्वेश्चन नोट करेंगे. राइट अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ फायर फाइटर. इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है, फायर फाइटर एंड डॉक्टर के बीच में. राइट अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ फायर फाइटर. इसका यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लेना. ये 4 का ए है. ठीक है एक आंसर देखेंगे. डॉक्टर पहले. डॉक्टर
When a doctor treats us when we fall sick. जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर तो हमें हमारी जो है देखभाल करते हैं, हमें दवा देते हैं. We fall sick. A doctor treats us when we fall sick. सभी को दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे बेटा? putting of the fire and rescue us. मैम इसको लिखना है. और कर लीजिए. इसको लिखना है. हाँ बेटा इसको भी लिखना है. पहले क्वेश्चन नोट करेंगे. राइट अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ फायर फाइटर. फिर आंसर लिखेंगे. लिखेंगे डॉक्टर, अ डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी फॉल सिक. Firefighter helps in putting off the fire and rescue people. आग बुझाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं. Firefighter. ठीक जल्दी से नोट करिए. अभी आपके पास तो 9 मिनट बचा हुआ बस. हर प्रिया बेटा वीडियो ऑन करके लिखिए. वीडियो ऑफ है आपका. वीडियो ऑन करिए क्यों माइक ऑफ रखिए. वीडियो ऑन रखिए सभी. मैम कौन सा क्वेश्चन लिखना है? अरे उसका 4 का पहला क्वेश्चन. मैम पेज भर गया. क्या कंप्लीट हो गया? मेरा चलिए आगे देखते हैं. Why should we follow healthy eating habits?
थी फॉलो ऑन थी इटिंग है एक बार चलिए आगे देखिए कि इसको आंसर का जवाब देंगे टाइम पर हो गया बेटा इसको बुक में ही इसे डॉट को ज्वाइन करना है ठीक है और नेम लिखना है क्या ये आप डॉट ज्वाइन करेंगे फिर इसका पिक्चर का नेम लिखेंगे कि आप किस चीज का पिक्चर है कर लेंगे इसको ना सभी हाँ तो इसे कंप्लीट करेंगे बाकी जो बचे हैं इसको हम कल कंप्लीट करवा देंगे ठीक है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे ओके गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय